नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके और मैं हूं प्रियंका। वक्त हो चला एक और फटाफट का खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत निजी चिकित्सालय के इम्पैनलमेंट संबंध में विकास भवन सभागार में बैठक हुई आयोजित। कई अधिकारी गण रहे मौजूद। होली में अराजक तत्वों से निपटने के लिए झांसी पुलिस हुई तैयार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील। होली के हुड़दंग में खुशियां ना करें खराब। होलिका दहन की जगह दो दो पुलिस कांस्टेबल होंगे तैनात। नाबालिग की आवरू तार तार करने वाला अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा के निर्देशन में लगातार चलाया जा रहा है धरपकड़ अभियान। सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया दर्ज, भेजा जेल। झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन ने झांसी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने की उठाई मांग। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जुनिया के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, कई लोग रहे मौजूद। झांसी में होली के त्योहारों को लेकर सजी दुकानें, रंग बिरंगे अबीर के साथ मिल रहा है तरह तरह का नया सामान, लोग पसंद कर रहे हैं। योगी मोदी का मुखौटा, भगवा में होगी इस बार की होली। बुलडोजर बाली पिचकारी की मांग भी हुई तेज। झांसी के ग्राम खिल्ली में सरकारी बालू सप्लाई के नाम पर बालू का अवैध खनन है जारी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, बड़े पैमाने पर हो रहा है अवैध खनन। विभाग पर जांच न करने का लगा आरोप, ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी के एरच में सुलेमापुर घाट पर दबंगों ने किया कब्जा, रात भर किया जाता है अवैध खनन। ठेकेदार संदीप कुमार ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से की कार्रवाई की मांग। ठेकेदार ने क्षेत्रीय विधायक के लोगों पर लगाया कब्जा करने का आरोप। झांसी में खेत पर गई महिला ने दबंगों पर लगाया मारपीट का आरोप। मजदूरी करने गई थी महिला, खेत पर रखे पीने वाले पानी को लेकर हुआ विवाद, महिला ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। झांसी बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव का 24 मार्च को होगा आयोजन। दीनदयाल सभागार में किया जाएगा 50 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन। 3 दिवसीय रहेगी प्रदर्शनी, बुंदेलखंड में छुपी कला को मिलेगा बड़ा मंच। मऊरानीपुर के ग्राम रेबन में ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। विधायक निधि द्वारा सड़क के अपेक्स 5 ट्रॉली गांव के दबंग ले गए घर, लोगों ने किया विरोध, अपेक्स बरामद करने की उठाई मांग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को आया गुस्सा, शराब की दुकान पर पत्थर मारकर तोड़ी बोतलें। शराब को यूपी और एमपी में बंद करने की उठाई मुहिम, बोली कि शराब से उजड़ते हैं घर परिवार। मऊरानीपुर में दबंग सरकारी जमीन पर कर रहे हैं निर्माण, सरकारी हैंडपंप को उखाड़ कर ले गए घर। जैन मंदिर के पास मऊदेहात की बाउंड्री से लगी है सरकारी जमीन, ग्रामीणों ने कार्रवाई की उठाई मांग। गरौठा के ब्लॉक बामोर के मुख्यालय में हुई मीटिंग, उपस्थित सभी पंचायत सदस्यों ने गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत को जीत की दी बधाई। क्षेत्र पंचायत तो मैं विकास को मिलेगी गति। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनने की खुशी में भगवा में होगी होली। दुकानों पर मोदी योगी के फोटो वाली पिचकारी मचा रही है धूम। जालौन में बाजारों में सजी रंग बिरंगी दुकानें। क्राइम फ्री जालौन की ओर से पुलिस का एक और सराहनीय कदम, पुलिस ने गिरफ्तार किया शातिर चोर। चोरी की गई दुनाली बंदूक, 17 कारतूस, मोबाइल फोन, कई सामान हुआ बरामद, मुकदमा हुआ दर्ज। महिला डॉक्टर बनी धरती की भगवान, आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात को दी नई जिंदगी। अपनी सांस देखकर बच्चे को दी जिंदगी, महिला डॉक्टर के इस कारनामे को लोग देखकर हैं हैरान, वीडियो हो रहा है वायरल। चलती ट्रेन में
से गायब हुए महिला के बैग में से सोने के बिस्किट। ट्रेन के एसी कोच में यात्रा कर रही थी महिला। इंदौर की रहने वाली महिला दिल्ली से जा रही थी भोपाल। ग्वालियर आने पर चोरी का चला पता, महिला के होश उड़े, पुलिस से की शिकायत। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में की शादी। लड़की ने अपने माँ बाप पर धमकी देने का लगाया आरोप। परिजनों को नहीं है शादी स्वीकार, अलग अलग समाज के हैं लड़का लड़की, पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार। मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह को मिल सकता है मंत्री पद। सूत्रों की माने तो लिस्ट में सबसे आगे हैं नाम। धमाकेदार जीत की दर्ज। गांव के प्रधान से लेकर दो बार बड़े विभाग के मंत्री रह चुके हैं ठाकुर जयवीर सिंह। ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें। खबर फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।